ये 1 कप मैंने मूंग की धुली दाल ले ली है और 1 कप मैंने मसूर की धुली दाल ले ली है और ये मैंने धोकर साफ करके रख ली है। ये हमने धोकर जो दाल रखी थी हम इसको कुकर में डाल लेंगे। आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे, आधा चम्मच हम लाल मिर्च डाल देंगे और ये थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देंगे। आधा चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चम्मच हम प्याज का पेस्ट डाल देंगे, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और गलने लायक में पानी डाल देंगे। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 2 सीटियाँ आने के बाद हम अपना कुकर खोलकर देखेंगे। हमारे दाल पकती है, अब हम अंडों गलने रख देते हैं। ये मैंने पानी ले लिया भगोने में, ये 8-9 अंडे ले लिए हैं मैंने, इन अंडों को धोकर धो लिया है, साफ करके हम गलने के लिए रख देते हैं। हम कुकर खोलकर देखते हैं, हमारी दाल देखो हो चुकी है। मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल गरम कर लिया है, हमने जो अंडे उबाले थे उन्हें छील कर रख लिया है, अब हमने फ्राई कर लिया। हमारे अंडे फ्राई हो गए हैं, अब हम निकाल लेंगे करके इनको। तेल में संडे निकाल लिए हैं और 1 मीडियम साइज की प्याज काट ली, हम इसको तेल में डाल देंगे, इसको फ्राई करेंगे। आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, 4 मिर्चें मैंने हरी काट ली हैं डाल देंगे इसमें। अब जो इसमें दाल हमने बॉईल की थी वो डाल देंगे, दाल अब हम कढ़ाई में दाल डाल देंगे। हरा धनिया भी डाल देंगे। अब हमारी दाल तैयार हो चुकी है, गैस बंद कर देंगे, उसका ढक्कन छोड़ देंगे। हमारी दाल तैयार हो चुकी है। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।